है वो, एक बार मैं रोडवेज की बस से दिल्ली से कश्मीर गेट से मैंने बस पकड़ी, जलंधर जा रहा था। मेरे साथ हुआ था अलीगढ़ में, मैं हीरा के गांव गया हुआ था, अली हाथरस के आगे था उसका गांव। तो आते टाइम मैं अलीगढ़ वाली साइड से आ गया, तो अलीगढ़ जब उतरा बस स्टैंड, वो चीजें जो हम बार बार सोचते हैं, बार बार करते हैं, या बार बार हम उसके बारे में विचार लाते हैं, वो कुछ विचार हमारे हिस्सा बन जाते दिमाग के। और ध्यान देना इस बात पर कि वो जो विचार है वो हमने ही कॉन्शियस से बार 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 डाले है। देखो जी, हमने तो जो काम किए पूरी शिद्दत से किए, ये बीच का रास्ता नहीं आता अपने को, जो दिमाग के कोने में कहीं छुपा हुआ है जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। तो ये परंपराएं हैं, तो ये हमारी कंडीशनिंग हो गई अवचेतन मन में, पर नेचुरली तो कुदरत का हम पे प्रभाव है। वो इच्छाओं को जिनको हमें सोच करके, उन विचारों को जिनके बारे में सोच के हमें अपने आप से घिन आने लगे या नहीं आने चाहिए, और या आ गए तो हम चाहते हैं कि कभी भी जिंदगी में पूरे ना हो। पे वो पिज्जा हट, डोम, मैकडोनल्ड वगैरह, जहाँ पे पहल का सिर फूटा था शीशे से, दिखाएंगे किसी साइकेट्रिस्ट को, मनोवैज्ञानिक को, फिर देखते हैं मनोवैज्ञानिक क्या कहता है। सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से उसको, उसने उस चौकीदार को बोला है द थ्योरी ऑफ गेटकीपर के नाम से एक्सप्लेन किया है। मुंबई में पाव भाजी खा खा के थक गए थे, फिर आखिरी दिन मैगडी देख के जाता था, पहले बर्गर खाना है। तो वो तो वहाँ खाया था ना, बॉम्बे सेंटर के स्टेशन पे। दिन वो मेरे जो कई यूट्यूब चैनल हैं जिनको हमने मेमोरी कार्ड की तरह यूज किया, जो आज भी मतलब वैसे ही पड़े हुए चैनल। ये जमी भी रुक जाए, ये तो हमारे साथ अक्सर होता है, हम जहाँ पर भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर भी हमें रेगुलर आना जाना होता है, वहाँ पर सुविधाएं आ जाती है। या जो हम डेढ़ शाने बनते हैं, जो हमें लगता है कि हमने किया, हमने सोचा, हमने तो प्लानिंग बनाया था, हमने तो टारगेट अचीव कर लिया, देखा मैं जो सोचता हूँ वही होता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे डोनापॉल पंजिम, मतलब यहाँ से अपने घर से मैं जा रहा हूँ डोनापॉल, तो डोनापॉल का रास्ता पंजिम आएगा बीच में, पोरवरिम आएगा, मांडवी रिवर हम क्रॉस करेंगे, सारे क्रूज कसिनो आएंगे, तो ये सब हम पार करते हुए आज जा रहे हैं डोनापॉल। तो आपको सारा रास्ते का व्यू दिखाएंगे, जिन लोगों को गोवा देखना है वो गोवा देखेंगे, जिनको मेरी बातें सुननी है वो बातें देखेंगे। तो चलो ठीक है, ये फिशिंग कर रहे हैं, ये इनकी ये सब्जी वाली ये शॉप है हॉर्टिकल्चर की, और ये फिशिंग कर रहे हैं, इन्होंने सब्जी की दुकान ही नहीं खोली कई दिन से, इन्होंने सब्जी की दुकान कई दिन से नहीं खोली है ना, महीनों से ना। पहले कह रहे थे गणपति के बाद खोलेंगे, वहां जाएंगे ना डोनापॉल। हाँ तो पंप ये पीछे खोल के नीचे रख ले, मैं बाद में डिक्की में रख दूंगा यार, बारिश जरा सी रुकती है, गर्मी एकदम ऐसे हो जाती है, हाँ भपका भर जाता है गाड़ी में। यहाँ आप वो नहीं कर सकते ना, जैसे दिल्ली में कहते शीशे खोल दो जी जरा से, यहाँ तो डस्ट भी बहुत आएगी और पानी भी अंदर बहुत आएगा। ये जमीन रुक जाए, क्या झांक रही है दूसरों के घरों में, दूसरों के घरों में क्या झांक रही है। गर्मी भपका भर जाता गाड़ी में, बारिश रुकते ही जरा सा। ये जमीन भी रुक जाए, आसमान भी झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ये जमीन रुक जाए, आसमान भी झुक जाए,
तेरा चेहरा जब नजर आए। चले गेट बंद, सीट बेल्ट लगानी है। कल घर के बाहर ना खूब सारे कौओं की आवाज आई, मुझको लगा जैसे पहले एक बार बादल में हुआ था कि तार पे कौआ चिपक गया था, तो आज जब तीन चार कौए मरे थे। हाँ नहीं, उसके बाद एक बार हुआ था, वो तो मर ही गए थे रात को। हाँ। पर एक बार क्या हुआ, तुम थे नहीं करते उस दिन, तो एक कौआ बेचारा तार पे चिपका हुआ था, उसके आंखों से पानी टपक रहा था। हाँ। तो वो हमने उसको हम क्या करे, तो हमने पत्थर वत्थर मारा, डंडा मार, तार इतनी दूर था, पर पत्थर मारने से ना वो खुद डर के पंख ऐसे हड़हड़ाने लगा, तो वो फिर छूट गया। तो मैंने सोचा चल देखूं कोई होगा तो मैं ऐसे कुछ मारूंगी तो हो सकता है वो बच जाए। बाहर गई मैंने कहा देखूं कहां, ढूंढा तो देखा अपनी नदी के किनारे पे दो कौओ में लड़ाई चल रही है, घुसण मुक्के हो रहे हैं जमीन पे लेट के, जैसे रेसलिंग होती है ना पटका पटकी, ऐसे एक कौओ ऊपर एक कौओ नीचे, दोनों जो बाकी सारे कौओ कहां है कहां है कहां है, ये 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 ये। फिर मैंने उनको भी डंडा मारा तो फिर उड़ के भागे, मतलब एक दूसरे को काट कूट। कौए बड़े अग्रेसिव होते हैं और सच्ची में ऐसे एक ऐसे 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 मार रहे, बाकी सारे कौए चिल्ला रहे मारो 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 मारो। या वो बट गए होंगे ना, वो अपने अपने कौए का हौसला हौसला बढ़ा रहे होंगे। सुल्तान सुल्तान क्या बोलता है सुल्तान मूवी में, कर दे चढ़ाई रे सुल्तान, कर दे चढ़ाई। सारे लगे रहते होंगे कौए। चिकन दम बिरयानी इसने भी देख छोटी सी जगह पे शुरू कर दी है। एक्चुअली अब सीजन आ रहा है ना, तीन चार महीने सीजन है, तो जो भी कुछ है वो बिक जाएगा आराम से। गोवा में एक अच्छी बात है कि घटिया खाना नहीं मिलेगा। हाँ, खाना मतलब खाना आपको या तो बढ़िया मिलेगा या एवरेज मिलेगा, मतलब आपके पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे कि आपने यार मतलब खाना घटिया मिल गया। जैसे वो कई स्टेट होती है वहाँ पे खाना बहुत घटिया मिलता है, मतलब आप खा नहीं पाओगे। जब बालाजी जाते थे वो भी अच्छा। हाँ राजस्थान का भी खाना अच्छा है, राजस्थान में भी हमारा एक्सपीरियंस राजस्थान में ये है कि हाईवे पे लूट बजारी जरूर चलती है, कि आपने मंगवा लिया उसने रख दिया सलाद और बाद में बोला 250 रुपए का तो सलाद है, हुआ था ना हमारे साथ। मैंने जाके ऑनर को टोका तो उसने 200 रुपए कम भी कर दिए फटाफट। दे अच्छी बात है। हाँ उनका यही है ना, वो भी आदमी देख के भिड़ते हैं। अरे वो एक बार मैं रोडवेज की बस से दिल्ली से कश्मीर गेट से मैंने बस पकड़ी, जलंधर जा रहा था। अच्छा। तो लेबर वेबर जैसे होते ना वो लोग भी चढ़ गए दो चार, उनको भी जाना होगा। तो जब कंडक्टर टिकट काट रहा था तो उसने देखा कि भी ये सीधे है यूपी बिहार की लेबर है, चार पांच लड़के थे। हाँ। तो उसने बोला कि रास्ते में ना उतर के कुछ खाना पीना मत, मतलब उतर जाना पर किसी ढाबे वाबे पे खाना मत। अच्छा। बाद में मत बोलना, उसने मेरे सामने बोला उसको। हाँ। मैंने कहा चलो वैसे ही बोल रहा होगा। वो पानीपत वगैरह के आसपास पता नहीं कहाँ पर गाड़ी रुकी, तो करनाल या पानीपत कहीं, वहां पर उन्होंने वहां लिखा हुआ था कि उस समय ये बहुत पुरानी बात है तो मेरे ख्याल से शायद 5 रुपए का जूस लिखा था या ऐसे कुछ लिखा था, 2 रुपए का जूस ऐसा कुछ लिखा था उस समय। हाँ। मतलब ये बहुत शादी से पहले की बात। हाँ उसी टाइम पे जाता था शादी का, तो मैं गया ही नहीं रोडवेज से। हाँ। एक बार गया था तो उन्होंने वो जूस पी लिया, बाद में वो उससे मांगने लगे कि भैया 5 लोगों ने 5 जूस पिया है 200 रुपए निकालो। अब आज से 17-18 साल पहले तो 200 रुपए भी अच्छी खासी, और लेबर बेचारी फैल गए, वो 2 मिनट में वो सारे इकट्ठे हो गए। वो वहीं के थे लोकल, तो वो खूब उससे बदमाशी करने लग गए कि नहीं, वो कह रहे तुमने 2 रुपए लिखा, कह रहे 2 रुपए में जूस आता है, 2 रुपए का तो संतरा था, जूस तो 20 रुपए का था या 40 रुपए का था, ऐसे कुछ भी जो मर्जी रेट कोई लिखा हुआ नहीं होता है और सब उनकी सेटिंग होती है। दिए उन्होंने जो भी निकले उनकी जेब से दिए। वो कंडक्टर ने बोला, कह रहा मैंने तो कहा ही था तुम्हें कि भी रास्ते पे रुक के मत खाना। मेरे साथ हुआ था अलीगढ़ में, मैं हीरा के गांव गया हुआ था, अली हाथरस के आगे था उसका गांव, तो आते टाइम मैं अलीगढ़ वाली साइड से आ गया, तो अलीगढ़ जब उतरा बस स्टैंड से भूख लग रही थी, वहां पर लिखा हुआ था पराठे, उस समय आलू के पराठे जो है, ये भी शादी, ये तो और भी 3-4 साल पहले की बात है, मतलब 25 साल पहले की बात होगी, 25 तो नहीं 22-23 साल पहले, तो उस समय 4-5 रुपए से ज्यादा का पराठा, महंगे से महंगा पराठा 4-5 रुपए का होता था। तो मैंने कहा 2 आलू के पराठे खा लिए, उसने मेरे से कुछ 80-90 रुपए मांगे। अच्छा। आज से 22 साल पहले। हाँ। तो
कह रहा नहीं जी नहीं, मैंने कहा ये तो आपने लिखा हुआ है, कह रहा नहीं नहीं वो तो कुछ और लिखा, पता नहीं ऐसे क्या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर मेरे से को 80-90 रुपए देने पड़े थे उनको। और घटिया खाना, एक तो होता कि आपसे पैसे ले लिए, हाँ क्वालिटी भी बिल्कुल डाउन घटिया एकदम, मतलब यूपी में मेरे खाने को क्वालिटी को लेकर के एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, राजस्थान में खाना अच्छा मिला, यूपी हरियाणा इन जगहों पे खाना नहीं अच्छा मिला। राजस्थान का खाना बड़ा अच्छा है, राजस्थान की चाय बहुत अच्छी है, जो सड़कों पे चाय बेचते हैं भाई साहब पूरी दिल से बनाते हैं, वो अदरक कूटेंगे वो पूरा, कितनी देर में जाके तो चाय बनती है उनकी। तो यूपी और हरियाणा में खाने को लेकर के ना थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, एक तो महंगा मिला, इस तरह की चीजें तो हुई हुई, प्लस जहां ऐसी चीजें नहीं हुई, ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें हर बार हुई, पर वहां पर फिर स्वाद नहीं मिला, क्वालिटी नहीं मिला। ये तो अब शुक्र है क्या है कि चेन सिस्टम आ गया है, अब आप हाईवे पे जा रहे हो, आपने मैकडी में रुकना, मैकडी में कहीं भी रुको आपको सेम चीज मिलनी है, है ना। तो ये चेन सिस्टम का ये फायदा हो गया कि आपने कहीं रुक गए पिज्जा खा लिया, कहीं अब जब भी आप जलंधर जाते हैं तो बच्चों के साथ वो रास्ते में कहा करनाल के पास आता है ना वो जहाँ पे अमृत सुखदेव तो वहां पर है मुरथल में, आते टाइम वो कौन सी वो करनाल के पास एक जगह आती है ना जहाँ पे वो पिज्जा हट डोम मैकडोनल्ड वगैरह, जहाँ पे पहल का सिर फूटा था शीशे से, वो मैनेजर आया था फिर, हाँ हाँ राजपुरा, राजपुरा के पास वो एक हाईवे पे ही वो ऐसे पॉइंट आ जाएगा, हाँ। तो आपको मालूम है मैकडी वाला तो ये हरकत करेगा नहीं, तो ये एक फायदा हो गया जब से चेन सिस्टम आया है, वो भी हम जैसे लोगों के लिए जो ना तो पैसे वाले हैं और ना इतने गरीब है कि इनके अंदर भी ना जाए, है ना, हाँ। ना रोड पे ना करोड़ पे। मुंबई में पाव भाजी खा खा के थक गए थे, फिर आखिरी दिन मैकडी देख के खाना, तो वो तो वहाँ खाया था ना बॉम्बे सेंटर के स्टेशन पे, लास्ट डे ट्रेन पकड़ रहे थे, राजधानी ट्रेन थी हमारी शाम की, मुंबई मुंबई दिल्ली राजधानी, जब राजेश भाई और वो राजू जी छोड़ने आए थे तो मैकडी से मैं तेरे लिए कुछ पैक करा के लाया था, वो भी लिया था ना, वो कह रहे थे कि भी घर पे खाना छोड़ के पैसे वेस्ट कर रहा है, उन्हें क्या पता है। नहीं ठीक है, ये जमी भी रुक जाए, आसमान भी झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। अदनान सामी, रानी मुखर्जी। ये जमी भी रुक जाए, आसमान भी झुक जाए, यहाँ पर डेली ट्रैफिक पुलिस वाले 5 से 7 घंटे रहते हैं। देख बनियान में टूरिस्ट घूम रहे हैं, देख बनियान में, और ये रॉन्ग साइड आए हैं इसलिए इनके चलान कट रहे हैं। यहाँ पे क्लियर 2 बड़े बोर्ड लगाए, एक तो था ना छोटा बोर्ड लगाया कि आपको दिखे ना और आप गलती से घुस गए जी, क्लियर एक छोटा बोर्ड लगा हुआ, एक बड़ा बोर्ड लिख के लगाया कि इस साइड से बच जाओ, और टूरिस्ट की हालत देख, वो बनियान बनियान वो जो व्हाइट वाली क्या बोलते गंजी बोलते ना उसको, मतलब क्या यार कुछ गोवा के स्टैंडर्ड का तो ख्याल करो यार, व्यू देखो गोवा के स्टैंडर्ड का, हाँ ये अभी बारिशों की वजह से घना भी हो गया ना, वैसे भी अच्छा था, पर आने वाले 2-4 साल में इसके बीच में देखियो शेक बन जाएंगे, होटल वोटल बन जाएंगे, तो फिर ये ग्रीनरी का जो एरिया ये खत्म हो जाएगा। ये रोड भी तो तभी बनी थी जब हम शेरनम शिफ्ट, हाँ ये तो हमारे साथ अक्सर होता है, हम जहाँ पर भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर भी हमें रेगुलर आना जाना होता है वहाँ पर सुविधाएं आ जाती है। याद है राजस्थान हम पहली बार जब गए थे कैला देवी, कितना टूटा हुआ रोड था, उसके बाद दूसरी बार गए थे बस से, रोडवेज की बस से, वो वीडियो दिखाएंगे इनको किसी दिन जो हमारे सब्सक्राइबर है, कि ऑटो में कैसे तूने पहल को गोद में पकड़ रखा है, वो ऑटो राजस्थान की गर्मी मई जून की गर्मी राजस्थान के अंदर, सोना बिल्कुल छोटी, पहल गोद में, और हम ऑटो के अंदर ढकढक ढकढक रोड टूटा हुआ ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, और कमाल की बात से सबसे बड़ा एडवेंचर है कि उसमें गाना चल रहा था ये बंधन तो प्यार का बंधन, करण अर्जुन जिसकी शूटिंग ही राजस्थान में हुई है, और मैंने क्या किया था यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था,
तो वो मेरे जो कई यूट्यूब चैनल हैं जिनको हमने मेमोरी कार्ड की तरह यूज किया, जो आज भी मतलब वैसे ही पड़े हुए चैनल, और उनमें बस जो भी वीडियो क्लिप देखी, फोन को खाली करना, यूट्यूब पे अपलोड करो, फोन से उसको डिलीट करो। एसडी कार्ड वो खराब हो गया था ना जिसमें वो बनाया था मेमोरी कार्ड। हाँ, पर वो यूट्यूब पे बच गया। वो ताजमहल जब गए थे हम राजस्थान से ही, हम दौसा से मेहंदीपुर बालाजी से हम दिल्ली ना आके 1 जनवरी को हम ताजमहल पहुंच गए थे। 1 जनवरी थी, 1 जनवरी को तो बालाजी में ही थे, तो 5-6 तारीख में यार। देखो जी, हमने तो जो काम किए पूरी शिद्दत से किए, ये बीच का रास्ता नहीं आता अपने को, ये आधा भगवान को मानेंगे और आधा नहीं मानेंगे। मानेंगे तो पूरा माना, छोड़ा तो पूरा छोड़ा, और पहले भी छोड़ा हुआ था तो पूरा छोड़ा था। उन्होंने बोला कि 2 बार दर्शन करने पड़ते हैं, 1 बार आने के, हमने कर जाने के। हमने कर रुको, हमने 4 बार अरे जल अलग ले रहे हैं, सुबह की आरती मंगला आरती अलग ले रहे हैं। नहीं, हम तो 2 विजिट करने लग गए कि पहले हम वहाँ रुकते थे, सारी आरती वगैरह लेते थे, दर्शन 1 बार करते थे, फिर कैला देवी जाते थे, फिर वापिस आगे बालाजी के, अब हम जाने की विदाई ले रहे। सब बहुत पाखंडगिरी करी है, और पाखंड भी शिद्दत से किया, डाउटफुल या कंफ्यूजन से या आधा अधूरा नहीं किया, इसीलिए तो कॉन्फिडेंस है अंदर। इसीलिए तो अभी एक आदमी ने कमेंट किया कल कार वाला वीडियो देख के, कह रहा भाई किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ये देखिए अभी बनियान में घूम रहा है टूरिस्ट, तो कह रहा कि भी भाई आपको तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना। मैंने कहा यार, मैंने उसको रिप्लाई किया, मैं कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भीड़ के साथ रह नहीं सकता, भीड़ की तरह सोच नहीं सकता, तो वाकई में मैं ही अब नॉर्मल हूँ। इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या करें भाई, भीड़ मैं अब भीड़ तो अब नॉर्मल नहीं हो सकती ना, अब नॉर्मल तो जो कम परसेंटेज के लोग है वही होंगे। तो मैं कहा यार फिर बात सही कह रहा है भाई, दिखाएंगे किसी साइकेट्रिस्ट को, मनोवैज्ञानिक को, फिर देखते हैं मनोवैज्ञानिक क्या कहता है। मनोवैज्ञानिक कह गए यार मुझे खुद मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कितना कुछ आता था या नहीं आता था। नहीं, मनोवैज्ञानिक जो है ना, जो ये साइकेट्रिस्ट होते हैं, इनको दिमाग पढ़ने की पढ़ाई होती है, करी होती है इन्होंने, साइकोलॉजी को समझते हैं। हमारे मन के अंदर हमारे 3 मन होते हैं, ये इतना सा हिस्सा ना टूटा हुआ है, हमारे ना 3 मन होते हैं। हाँ, एक होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम डेढ़ शाणे बनते हैं, जो हमें लगता है कि हमने किया, हमने सोचा, हमने तो प्लानिंग बनाया था, हमने तो टारगेट अचीव कर लिया, देखा मैं जो सोचता हूँ वही होता है, ये होता है वो होता है, इसको बोलते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। फिर आता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो चीजें जो हम बार बार सोचते हैं, बार बार करते हैं, या बार बार हम उसके बारे में विचार लाते हैं, वो कुछ विचार हमारे हिस्सा बन जाते दिमाग के, और वो एक जगह पर रहने लगते हैं, और फिर हमारी बॉडी के बॉडी लैंग्वेज में और हमारी बातचीत में, हमारे कार्य प्रणाली में वो विचार अपने झलकने लगते हैं, वो विचार इम्प्लीमेंट होते हैं, वो हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, पर वो सबकॉन्शियस की वजह से हम कर रहे होते हैं, वो हमारे विचार सबकॉन्शियस में आ जाते हैं। ध्यान देना इस बात पर कि वो जो विचार है वो हमने ही कॉन्शियस से बार बार डाले हैं। देख टॉनी का जुड़ हुआ भाई, तो वो हमने डाले बार बार डाले हमने, वो चले गए अवचेतन मन में, जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं, कंडीशनिंग मतलब अवचेतन मन। उसके बाद आता है अचेतन मन, स्लीपिंग माइंड, जो दिमाग के कोने में कहीं छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। अवचेतन को तो हम कह सकते कि हमने डाला है, अब स्लीपिंग माइंड का क्या रोल है, वो बहुत खतरनाक है। जितनी भी हमारी गलत इच्छाएं होती हैं, अनैतिक इच्छाएं होती हैं, गलत विचार होते हैं, जिनको मानने पे, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग तो संसारिक हुई है ना, संसार ने कुछ बताया है कि ऐसे रहना है, नंगा नहीं घूमना है, इसकी तरफ बुरी नजर से, ये सब जो बताया है, तो ये परंपराएं हैं, तो ये हमारी कंडीशनिंग हो गई अवचेतन मन में। पर नेचुरली तो कुदरत का हम पे प्रभाव है, तो होता ये है कि उस वजह से जो इच्छाएं हमारे मन में कुदरती तौर पर जन्म लेती हैं, पर वो परंपराओं की दृष्टि से वो बहुत अनैतिक होती, गलत होती है, वो इच्छाओं को जिनको हमें सोच करके, उन विचारों को जिनके बारे में सोच के हमें अपने आप से घिन आने लगे या नहीं आने चाहिए, और या आ गए तो हम चाहते हैं कि कभी भी जिंदगी में पूरे ना हो, मतलब अपने आप में ही आप जिक्र करके आपको शर्मिंदगी हो, ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। जो कहता नहीं होता, या तो वो संत है या वो पाखंडी है, ठीक है। तो वो विचारों को हम जबरदस्ती दफना देते हैं, वो जिस जगह पर उनको दफना देते, वो मरते तो नहीं है, क्योंकि विचार कभी मर नहीं सकता, वो तो आ गया तो आ गया, तो वो जिसको हम सोचना भी नहीं चाहते हैं वो रहता है अचेतन मन में।
ठीक है, फिर अचेतन मन से वो विचार बाहर ना आए तो वहां पर हमने एक चौकीदार बिठा रखा होता है। सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से उसको, उसने उस चौकीदार को बोला है द थ्योरी ऑफ गेट कीपर के नाम से एक्सप्लेन किया है, थ्योरी ऑफ गेट कीपर। वो गेट कीपर का काम है कि अंदर का कोई भी अचेतन मन का विचार बाहर नहीं आना चाहिए, सारे अनैतिक विचार है जो कभी जीवन में पूरे नहीं होने चाहिए पर आ गए हमारे अंदर, ठीक है, पर वो विचार इतना शाना है और वो गेट कीपर इतना बेवकूफ है, वो चौकीदार इतना मूर्ख है कि वो विचार भेष बदल लेता है और वो कहता है मैं तो वो वाला विचार हूं ही नहीं, मैं तो कोई और हूं। गेट कीपर कहता है अच्छा अच्छा आप कोई और हो, ठीक है आप जा सकते हो बाहर। अजीब लग रहा होगा ना, तो मैं देखो बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं।